फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल। मैं नेहा आनंद एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड की ताजा और चटपटी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए तो शुरू करते हैं। कमाल है, अभी भी फोटो की पड़ी है। ऐसा भी क्या हुआ जो समीरा रेडी हुई लोगों द्वारा ट्रॉल? जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने हाल ही में अंडरवाटर शूट कराया है, लेकिन अकेले नहीं, अपने बेबी बम के साथ। समीरा रेड्डी दूसरी बार मां बनने वाली है और वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। वो इस पल को कैमरा में कैद करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अंडरवाटर फोटो शूट कराया, जो कि काफी ट्रेंड में भी है। फोटोशूट की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिनमें वो बेहद खूबसूरत और जलपरी की तरह लग रही हैं। समीरा की ये डेयरिंग देखकर उनके फैंस बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने कहा कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। उनमें से कुछ लोगों ने समीरा को ट्रॉल करते हुए कहा, यह सही नहीं, इतना रिस्क क्यों ले रही हो तुम। किसी ने लिखा, कमाल कर रही हो, अभी भी फोटो की पड़ी है। तो कुछ ने लिखा, पानी में सांस रोक कर रखना कहाँ तक सही है, इससे बच्चे को फर्क पड़ सकता है, उसका तो ख्याल करो। इतने सारे ट्रॉल्स के बावजूद कई लोग समीरा की तस्वीरें पसंद कर रहे हैं। समीरा ने हर फोटो के साथ एक कैप्शन भी लिखा है, जैसे, मैं ये गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई टचअप नहीं है, कोई फोटोशॉप नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर में लिखा कि मैं बम की खूबसूरती को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, जो 9 महीने तक मैंने साथ रखी। इस वक्त मैंने बहुत अच्छा महसूस किया, तो वहीं खुद को थका हुआ भी पाया। मैं डरी हुई भी थी और एक्साइटेड भी थी, ये खूबसूरती चीज़ है। समीरा ने कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम किया है और अपनी बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कोशिश भी की थी। समीरा ने नक्शा और रेस जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जो काफ़ी हिट थी, लेकिन फिर भी समीरा बॉलीवुड में ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकी, इसलिए उन्होंने फिल्में छोड़ अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। तो ये थी समीरा रेड्डी की ट्रोल होने की वजह। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाज़त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही चटपटी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।